नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। आपने पढ़ा होगा थंबनेल में या स्टार्टिंग में, एस। एस क्या है? बॉयलर एस। दोस्तों आज हम एस जो है वो रखौरी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत आदमी को समझ में नहीं आता होगा, नए जो पर्सन है उनको समझ में नहीं आता होगा, तो उनके लिए बता दूं कि एस एक रखौरी होता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और ये बनता कैसे है, इसका रॉ बेस क्या है, ये किस चीज़ से बनता है, बॉयलर में बनना ज़रूरी है क्या, सभी टॉपिक पे बात करेंगे हम। आप लोग इत्मीनान से ये पूरी वीडियो देख लीजिए। दोस्तों हम इस टाइप की वीडियो इसके लिए बनाते हैं ना कि थ्योरी सभी को समझ में नहीं आती है, और इस टाइप की वीडियो से डिटेल में हम बात करते हैं। कुछ अपनी भाषा में होता है ना, उस टाइप के भाषा में भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो उस भाषा में बात करके हम और अपनी भाषा लैंग्वेज को समझ सकते हैं। होता है ना, बोलता है ना कि मास्टर जी रखौरी में का पाथो, रखौरी में काका पाल जाला, बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है एस। व्हाट इज एस? एस क्या है दोस्तों? फ्यूल का वेस्ट मटेरियल ही एस है। अब एस की बात आती है तो फ्यूल की बात ना करे तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। एस जो है कोयले का ही दूसरा रूप है। कोयले में दो कंटेंट पाए जाते हैं, दो टाइप का मटेरियल पाया जाता है। एक बर्निंग कंटेंट होता है और एक अनबर्निंग कंटेंट होता है। तो एस जो है उसका न जलने वाला तत्व है। मतलब कोयले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जल नहीं पाते हैं, और बाकी जो तत्व होते हैं वो तो जल जाते हैं, तो उसको हम एस कहते हैं। अब क्या क्या पाया जाता है, तो वही जो कोयले में पाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने आपको कोयले के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में बताया था कि कोयले में क्या क्या पाया जाता है। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। कोयले में मुख्यतः कार्बन तथा उसके यौगिक रहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा गंधक भी रहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रासायनिक गुण भी होता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इन सब से मिलके ही कोयला बनता है। इसके अलावा कोयले में और भी तत्व पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो इनके तत्व हो गए दोस्त, समझ रहे ना, ये सब इनके तत्व हो गए। और इनमें जो इसके अलावा पाया जाता है वो कुछ रासायनिक गैसेस भी होती हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। जैसे ये सब परसेंटेज है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसका अपने हिसाब से अपना डायरी मेंटेन कर लो, मैं बार बार बोलता हूँ। और इसके अलावा जो इसमें रासायनिक गुण होते हैं वो एथेन होता है, एथिलीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब गैस है। जो भी है आप देख लो। और उसके बाद मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये सब गैस जो है ना वर्नफुल गैस है, सब जलने वाली गैस है, ये सब जलती है। इनके अलावा कुछ जैसे कार्बन हो गया, कार्बन भी जलती है। जितना ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का रहेगा कोयला उतनी उच्च क्वालिटी की होती है, ये बात आप हमेशा जान लेना। तो ये सब मेरा ये मुद्दा ही नहीं है कि कोयले में क्या पाया जाता है, गैस में क्या पाया जाता है, सॉरी कोयले में क्या पाया जाता है, एस में क्या पाया जाता है। हमारा मेन मुद्दा जो है ना, हमारा मेन मुद्दा है एस कितने प्रकार का होता है। सॉरी दोस्तों, मेरे को स्टार्टिंग में बताना चाहिए, मैं अभी बता देता हूँ। एस दो प्रकार का होता है। बॉयलर में दो टाइप का एस होता है, एक बॉटम एस होता है, एक फ्लाइंग एस होता है। मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, वीडियो लंबी हो ही जाती है, क्या करूँ दोस्त, शिकायत रहती है, फिर भी मेरे को बनाना पड़ता है। दो टाइप का एस होता है, एक बॉटम एस और एक फ्लाइंग एस। बॉटम एस वह एस होता है जो बेड के अंदर पाया जाता है। फ्लाइंग एस वह एस होता है जिसको हम फ्लाइंग यानी अपना ड्राफ्ट के साथ हवा में उड़ के बॉयलर से आउट होता है। और बॉटम एस
जो बड़ा बड़ा दाना होता है उसका होता है, आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिख जाएगी, आप देख लेना। बेड ड्रेन से जो बेस्ट मटेरियल निकलती है उसको बॉटम एस बोलते हैं, और जो एस चैम्बर में कलेक्ट होता है, जो साइक्लोन में कलेक्ट होता है, जो ESP में कलेक्ट होता है, जो आपका बैक फिल्टर में कलेक्ट होता है, जो डस्ट कलेक्टर में कलेक्ट होता है, वो सब जितने भी प्रकार के एस आप देख रहे हो, इन सबको हम फ्लाइंग एस बोलते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए बाकी ये जितनी भी इक्विपमेंट है सब लगाई जाती है, इनको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए कि वायु प्रदूषित ना हो। अभी तो इनको ओपन एरिया के संपर्क में ना आए इनके लिए इसको साइलो सिस्टम के जरिए एक जगह पे स्टोर किया जाता है, वहीं से इनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि सीमेंट बनाने वाली कंपनी ले लेती है, ईंट बनाने वाली कंपनी ले लेती है, इस टाइप की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो इनको लेके जाती है और इनका दूसरा प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल आउट करती है। तो यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। ये है अपना दो टाइप का एस होता है दोस्त, और एस में वही एस में सिर्फ अनबर्निंग पार्टिकल पाए जाते हैं, जो जल नहीं सकता है वही। और एक और चीज़ बता दूँ इसमें, क्या बोलते हैं, 2% अनबर्न पार्टिकल निकल सकता है, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना दोस्त। और साइज़ की बात करें तो 112 माइक्रोन तक का साइज आपका आउट होता है जो ESP से कलेक्ट किया जाता है। ये तो मैंने डिटेल दे दिया है आपको, लेकिन आपसे एक सवाल है कि आपके मन में अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे से कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। थोड़ा सा और दे देता हूँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल है और कुछ बॉटम सेल है, बॉटम है ऐसे। ये जो देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये अनबर्न पार्टिकल है जो जला नहीं है बेड में और ड्रेन के टाइम पे बेड से ड्रेन हुआ है, और बाकी जो है वो एस पार्टिकल है, इसको बोलते हैं बॉटम एस, जो भारी होता है बेड ड्रेन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है इसको क्लीन करने का, नीचे बैठ जाता है तो इसको बेड ड्रेन करके निकालते हैं, ये होता है। और मैं एक और वीडियो लाऊंगा बॉयलर में जो क्लिंकर होता है बेड क्लिंकर, उस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आखिर क्यों बनता है बॉयलर में क्लिंकर, बेड में क्लिंकर क्यों बनता है। ये दोस्त पूरा सपना से बंदिंग होता है किसी भी बॉयलर अटेंडेंट में। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि क्लिंकर पे वीडियो देखना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा मेरे दोस्त। मैं पूरी कोशिश किया आपको सेटिस्फाइड करने का, मुझे आज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पूरी वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगी दोस्त। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी क्लिंकर पे लाऊंगा, ये तो छोटा फॉर्म में हो, ये भी रनिंग में छोटा छोटा दाना बना लेता है, तो क्यों बनाता है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।